सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के सोन नदी से लगे सेमिया चोरा बिजोरा बड़गावा घोरिया गांवों में स्थानीय दबंग बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। ये बालू माफिया नदी किनारे ट्रैक्टर उतारकर मजदूरों के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली पर पहले लोडिंग करते हैं और इसके बाद गाँवों में ही बालू डंप करके ऊंचे दामों पर टीपर और ट्रक वालों को बेच देते हैं। ये बालू माफिया इन्हें मध्य प्रदेश का परमिट भी उपलब्ध कराते हैं। बड़े पैमाने पर स्थानीय दबंगों द्वारा किए जा रहे इस धंधे में स्थानीय पुलिस वन विभाग के अलावा सत्ताधारी सफेद पोशों की भी मिलीभगत है। जिले में बालू के लीज पट्टे बंद होने के कारण इन खनन माफियाओं के हौसले और भी बुलंद हैं। हालांकि जिला अधिकारी का कहना है कि जिले में अवैध खनन रोकने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, जो समय समय पर कार्रवाई भी करती हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि इस तरह की शिकायत मिल रही है, इसे संज्ञान में लिया जा रहा है, इनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो जुगैल क्षेत्र में देखने में आ रहा है कि जो सोन नदी किनारे बिना किसी लीज पट्टे के स्थानीय लोग ट्रैक्टरों के माध्यम से लगा करके बालू निकालते हैं और उसका संग्रह भी करते हैं और उसको फिर बड़े पैमाने पर बेचते हैं, टीपर के माध्यम से सप्लाई करते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? अवैध खनन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। 5 जनपद में 5 तहसील स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है। SDM और तहसीलदार के अध्यक्षता में और CEO साहब के अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन टास्क फोर्सों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा सीजर किया जा रहा है। इसके अलावा सभी थाना अध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया कि जहाँ भी अगर अपने क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है तो उसकी तत्काल सूचना दें, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएं। कई लोगों के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराया गया है। सर, स्थानीय लोग काफ़ी दबंग भी हैं और काफ़ी समय से इस तरह का मिली होगा से काम कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय अधिकारियों जो शिकायत है वो उसका संज्ञान लिया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है।